अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो व्यूअर, जो आज का टॉपिक है वो मेरा ये है कि मैं आपके साथ जो अपनी ईद पर जो मुझे ईदी मिली है वो शेयर करूँ। और साथ ही साथ व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि आज जो है क्लाउडी मौसम है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मौसम बना हुआ है, ठंडी हवा चल रही है। और साथ ही व्यूअर्स, आपको पता है कि ईद पर जो फर्स्ट और सेकंड डे होता है वो ईद का जो है ज़्यादातर मसरूफ़ी गुजरता है। आपका भी मसरूफ़ी गुजरा होगा, मेरा भी मसरूफ़ गुजरा है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड डे है, इस पर कुछ गेस्ट को हमने इनवाइट किया हुआ था, मेहमानों ने आना था, और कुछ जगहों पर हमने जाना था जिसकी वजह से हम जो है आउटिंग के लिए नहीं जा सके। तो आज जो है प्लान किया हुआ है कि आउटिंग का भी, तो मौसम भी आज बहुत प्यारा है। तो मैंने जो है अभी वेदर भी चेक किया है, तो वेदर जो है उस पर मैंने चेक किया है, तो बता रहे हैं कि 80% चांसेस है कि बारिश हो जाए। साथ ही साथ मैं आज आपके साथ अपनी जो है ईद पर जो मुझे ईदी मिली है वो शेयर करूँगा कि मुझे कितनी ईदी मिली है। कुछ मुझे अपने फ्रेंड्स के तरफ से मिली है, फ्रेंड्स के मेरे तरफ गया था ईद मिलने, तो उनके जो अम्मी अबू हैं उन्होंने मुझे दी कुछ ईदी, और कुछ मेरे पापा के फ्रेंड्स हैं उनसे मुझे ईदी मिली है, तो वो मैंने जो है सेव की हुई है वो ईदी। उसमें से मैंने कुछ ईदी जो है यूज़ की है, क्योंकि वो मेरे से जो छोटे बच्चे हैं तो उनको मैंने छोटों को दी है। उन उसमें से मैक्सिमम जो है 1000 या 1500 जो है मैंने जो है यूज़ की है, बकाया जो है मैंने सेव की हुई है, मैंने अभी उसको यूज़ नहीं किया। तो अभी चलते हैं, तो मैं देखता हूँ, अभी मुझे भी नहीं पता कि मेरी कितनी टोटल ईदी भरी हुई है। तो अभी मैं चलता हूँ, आपको रिव्यू करवाता हूँ कि मेरी टोटल जो ईदी है फर्स्ट और सेकंड डे की वो कितनी हुई है। तो अभी चलते हैं, आपको रिव्यू करवाता हूँ। अभी मैं नीचे आ चुका हूँ, तो बॉयलर जो है मेरे साथ रूम में पड़ा हुआ है साथ वाले, क्योंकि मेरे पास नहीं है, तो उधर से बॉयलर लेके आता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ मेरी टोटल ईदी कितनी है। अभी जो है मेरा वॉलेट आ चुका है, तो मैं देख सकते हैं मेरे पास है, तो अभी इसको ओपन करते हैं, इसके अंदर कितनी ईदी है देखते हैं। तो व्यूअर्स, इसे अभी ओपन करते हैं, तो ये है मेरी ईदी, ये मेरी ईदी रही, और इसके अलावा नहीं, तो इसे हम साइड पर रखते हैं। तो कितनी है ईदी काउंटिंग करते हैं इसकी, ये 80 रुपीज़ है, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 7, 8, ये टोटल जो है मेरी ईदी है 880 रुपीज़। अच्छा, देख सकते हैं 880 रुपीज़ है ये टोटल। तो रुको जरा, सबर करो। व्यूअर्स, आप सोच रहे होंगे कि इतनी कम ईदी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इतनी कम ईदी है, ये तो सिर्फ थोड़ी सी ईदी है। क्या बोला तूने? समझ रहे हो आप? बकाया जो ईदी है वो तो अभी मेरे पास है, वो ईदी है हमारे पास ही, ये देख सकते हैं, ये तो खाली है। ये क्या हुआ? ये तो प्रैंक हो गया। ये प्रैंक नहीं हुआ, ये ईदी मैंने रखी हुई है पीछे, ये मेरे पापा भी ऐसे ही रखते हैं ना वॉलेट में, जो बड़े नोट होते हैं ना वो पीछे रखते हैं, जो चेंज होती है वो सामने रखते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये देख सकते हैं, जो बड़े नोट है मैंने पीछे रखे हुए थे, जो चेंज थी वो सामने फ्रंट पे रखे हुए थे। आपको देखने से फील यही हुआ होगा कि ये मेरे पास 880 रुपीज़ है, जबकि ऐसा नहीं है, मैंने पीछे रखे हुए हैं ये नोट, ये देख सकते हैं, ये अब खाली हुआ है। तो ये भी मेरी ईदी, ये देख सकते हैं। तो इसकी भी आपको मैं काउंटिंग करता हूँ कि कितनी है, ये भी आपको बताता हूँ। वन थाउजेंड टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन 11, 12, 13, 14,
ये 14,000 है मेरे पास, 14,880 रुपीस टोटल मेरी जो है ईदी है। आए मजे, ये अब टोटल ईदी मेरी आ गई, देख सकते हैं। तो ये मेरी जो है फर्स्ट और सेकंड डे जो है ईदी मिली हुई है कलेक्ट। इसमें से जो है मैंने आपको बताया कि 1000 या 1500 जो है ना मैक्सिमम मैंने यूज़ भी किए हैं, तो उसके जो बकायद आ गए हैं वो ये अमाउंट है। तो देख सकते हैं मेरी ईदी कितनी ज़्यादा है माशाल्लाह। तो भी बस देख सकते हैं ये मेरी जो है ईदी कितनी हुई है, ये मेरी ईदी। तो आप भी बता सकते हैं कि आपकी कितनी ईदी हुई है कमेंट बॉक्स में, बता सकते हैं कि आपने जो है कितनी फर्स्ट और सेकंड डे में कितनी आपकी ईदी कलेक्ट हुई है। मेरी तो 14,880 रुपीस जो है मेरे कलेक्ट हुई है अमाउंट, जिसमें से मैंने यूज़ भी की है और बताया जो है मेरे पास ये सेफ हुई है। और आप सोच रहे होंगे कि मैं ये आप किधर इन्वेस्ट करूँगा, इसमें मैं क्या करूँगा, तो इसमें मैं जो है ये करूँगा कि आपको जैसे मैंने शुरू में बताया कि जो फर्स्ट और सेकंड डे ईद का था उस पर हम कहीं आउटिंग पे नहीं जा सके क्योंकि घर में कुछ गेस्ट आने थे और कुछ जगह हम भी गए थे जिसकी वजह से हम जो है ये आउटिंग के लिए नहीं जा सके। तो इस वजह से फिर हमने प्लान किया था कि ईद का तीसरा दिन, जैसे कि आज ईद का तीसरा दिन भी है तो आज जो है कि कोई मसरूफियात तो नहीं है, पर प्लान करेंगे कि किस जगह जाना है। तो अभी कोई प्लान नहीं है किया हुआ कि किस जगह जाना है, पर इंशाल्लाह अभी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करूंगा कि आउटिंग के हवाले से कि किस जगह जाएं, तो फिर उनके साथ ये जाएंगे तो उधर ये इन्वेस्ट होंगे, जो भी इसमें जो इन्जॉयमेंट हो सकती है वो फिर करेंगे। और तो माशाल्लाह इतने पैसे हैं कि इसमें अच्छा खास अच्छा खाना पीना भी खा सकते हैं और कुछ आउटिंग पे भी अच्छी जगह जा सकते हैं। और भी बस इसी के साथ एक और सरप्राइज़ भी है जो कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि वो कौन सा सरप्राइज़ है, जो कि बहुत ही प्यारा सरप्राइज़ है, तो इंशाल्लाह वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो बस वीडियो को यहाँ पे करते हैं एंड, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आने वाली है वो आप तक पहुँच सके। मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक में किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।